पालिका गजरौला में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय दिखाकर फर्जी रूप से वेतन दिया जा रहा था, उसी के सिलसिले में एसडीएम मैडम आई हैं और जांच कर रही हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जगह जगह रखे हुए हैं लेकिन वो ड्यूटी नहीं करते। आज एम्प्लॉय जो यहाँ पंजीकृत हैं उनको सबको बुलाया गया है और उनकी हाजिरी लग रही है, और ये अलग अलग से आए हैं, कोई कहाँ बैठा कोई कहाँ बैठा है, ड्यूटी नहीं करते। लेकिन आज यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, इनको वेतन तभी मिलेगा जब इनकी जांच पूरी हो जाएगी। एसडीएम मैडम और ईओ मैडम अंदर जांच कर रही हैं। तो काहे की जांच हो रही है जय बाबू, जांच काहे की हो रही है? कर्मचारी है, उनकी जांच है। सारे आ गए? कुछ ऐसे भी हैं जो ड्यूटी नहीं करते? चलो बढ़िया है। तो आज जांच किसकी हो रही है? आउटसोर्स कर्मचारी की जांच हो रही है। आउटसोर्सिंग वालों की? तो कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग, आइडिया कितने होंगे? आइडिया 500, 1000 और है 200 आउटसोर्सिंग, ठीक है। जी जी, क्या चक्कर है, क्या मामला हो रहा? ये वो जो लोग फर्जी काम कर रहे हैं यहाँ पर, रहने वाले बाहर के काम यहाँ कर रहे हैं, काम धरातल पर करते भी नहीं, बाहर का छोड़ो काम ही नहीं करते, बाहर आते नहीं, नहीं थोड़ा जोर से बोलो, हैं काम करना आते नहीं लोग। तो आपने कहाँ शिकायत की थी? एजेंट डीएम मैडम क्या की थी, एजेंट मैडम क्या की थी, उनकी जांच हो रही है, और एक सड़क फर्जी थी उसकी जांच हो रही है। सड़क फर्जी? और अभी मैडम हम अंदर बुला रही है, बात चल रही है, आप भी चलिए साथ हमारे। सड़क फर्जी कौन सी है? भानपुर फालसा में, वार्ड नंबर 14, डॉक्टर सौरभ सिंह जिला पंचायत सदस्य वाली। किसने बना दी? जी इनके साले हैं। किनके? किनके? इनके चेयरमैन साहब के। तो सड़क बनाई उन्होंने? हाँ, सड़क बनाई नहीं, पेमेंट ले लिया। किसने ले लिया? शिवराज सिंह ने। शिवराज ने पेमेंट दिया उसको? किसने दे दिया ये पेमेंट? नगर पालिका। तो जांच हो रही है अभी उसकी? जांच हो रही है। तो आउटसोर्सिंग कितने लोग हैं? काफी हैं, अभी अंदर जांच चल रही है। तो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि वो ड्यूटी भी नहीं करते, पता नहीं कहाँ कहाँ रहते, तो उनकी जांच करने के लिए एसडीएम मैडम आई है। और कोई ऐसी है कि जो सड़क बनी नहीं उसका पेमेंट कर दिया गया है? तो नगर पालिका में बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, आप देखो दूर तक।